नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेबल टेनिस इंडिया के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जानेंगे कि टेबल टेनिस का रबड़ कैसे कट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए रबड़। रबड़ होना ज़रूरी है, क्योंकि रबड़ नहीं होगा तो काटोगे इसको। तो सबसे पहले नया रबड़ ले लें। उसके बाद इसमें ग्लू लगाना है हमें, क्योंकि बिना ग्लू के तो फिर चिपकेगा कैसे रबड़। तो ग्लू लगाते हैं हम लोग। इसमें ग्लू लग गया। अब दूसरा काम करना है, ब्रैकेट में भी ग्लू लगाना है। अब ग्लू लग गया, अब इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख दो। और अगली चीज़ चाहिए आपको कटर एक। ये मैंने तिभार के ले लिया था, मेरी तरह गलती मत करना, बहुत ही महंगा दिया था आपको। मैं यहाँ स्क्रीन शॉट लगा दूंगा, देख लेना। ये 100-150 तक स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा कहीं, या फिर ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन से। मैंने इसको 10 गुना ज़्यादा प्राइस में दिया है, लगभग 1600-1700 रुपये का था ये कटर। सबसे पहले इसको पेस्ट करना होगा, ध्यान से पेस्ट करिए रबड़ को। ये देखिए रबड़ पेस्ट हो चुका है। अब इसको कट करेंगे। करते समय ध्यान दीजिए कि साइड में रैकेट ना कट जाए, तो इसको खोल लीजिए। सबसे ज़रूरी बात कट करने से पहले कि आपका कटर खुला होना चाहिए, क्योंकि बंद करके काटेंगे तो कटेगा नहीं ना। क्रोनोलॉजी समझिए आप लोग। तो दोस्तों ये कट चुका है रबड़। तो दोस्तों ये रहा अपना रबड़, कट चुका है इस तरह से। देख सकते हैं कितना परफेक्टली कटा है। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।